तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज अरकम अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। गाइस यहां पे मैं आपके लिए बहुत कमाल की वीडियो लाया। हम लोग आज बात करने वाले हैं 30K के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड, यस GTA 5। अगर आप लोग 1080p 60fps गेमिंग कर सकते हो, इसमें जो सारे पार्ट्स मैं आपको बताने वाला, सब कुछ A to Z सब न्यू होने वाला है। हाँ, A to Z नहीं बोल सकते क्योंकि जो Z है ना, Z वो पार्ट जो है वो यूज में रहने वाला है। तो ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कौन सा पार्ट एक यूज में रहेगा। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए दो चीज़ें लाया हूँ, इंटेल एंड AMD बोथ। मतलब अगर आप लोग इंटेल के शौकीन हो तो आप लोग इंटेल बिल्ड कर सकते हो 30,000 में गेमिंग पीसी, एंड AMD के फैन बॉय हो तो आप लोग AMD पे जा सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको, यार मैं ये नहीं चाह रहा था कि यार मतलब कोई इंटेल वाला आए वो AMD देख के जाए, AMD वाला आए इंटेल देख के जाए, भाई ये तो इंटेल बता दिया है तो AMD बता दिया, ऐसा ना हो। मैं दोनों बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको आप लोग इंटेल फैन बॉय तो उसके लिए, तो AMD फैन बॉय तो AMD पे जाओ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट इनटू दिस। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करी जाए, लेकिन उससे पहले सबको नीचे लाल वाले बटन का कलर चेंज कर देना, उसको बराबर रेड से व्हाइट कर दो क्लिक करके, और बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली रात में 9 बजे के बाद इसी चैनल पर स्ट्रीमिंग करता हूं मैं, तो स्ट्रीम पर भी ज्वाइन हो जाए यार, अगर स्ट्रीमिंग वगैरह देखना पसंद है तो। सेकंड चीज़, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है ना, सेटअप से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करो, नहीं तो आप लोग मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पर भी दिख रहा होगा, तुम लोग को इंस्टा DM कर दो। ओके, कोई भी डाउट आता है तो। सो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बिल्ड बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करी है इसमें। सो गाइस सबसे पहले बात कर ली जाए यहाँ पे AMD की, तो हम लोग यहाँ पे गाइस यूज़ करने वाले AMD में AMD Ryzen 3 3200G 3rd generation का प्रोसेसर है, जिसमें आपको एक Vega 8 ग्राफिक ऑलरेडी मिलता है। आप लोग ग्राफिक कार्ड लगाना इसमें ज़रूरी नहीं है, मतलब अच्छी गेमिंग करनी तो लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। 3200G यहाँ पे है, 4 core 4 thread वाला प्रोसेसर है ये, जिसमें आपको बेस जो क्लॉक है वो 3.6 GHz का है, 4 GHz तक उसको OC कर सकते हो, ओवरक्लॉक जाएगा वो बूस्ट हो जाएगा। थर्ड जनरेशन का कमाल का एकदम लेटेस्ट वाला अपना प्रोसेसर है। इसके साथ में मैं आपको मदरबोर्ड सजेस्ट करूँगा AMD का, सॉरी ASRock का A520M हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, A520M जो कि यार बहुत कमाल का 64GB तक इसमें आप लोग रैम वगैरह लगा सकते हो, M2 SSD सपोर्ट है, एंड ग्राफिक कार्ड वगैरह स्लॉट एंड सब सारी चीज़ें मिल जाएगी इसमें आप लोगों को। सो ये दो चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं AMD के लिए। अभी इंटेल की बात करी जाए, सो इंटेल की बात करी जाए, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले i3 10100F प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, जो कि 3.6 GHz पे बेस फ्रिक्वेंसी है, बूस्ट हो जाएगा 4.30 तक जाता है, बहुत कमाल का प्रोसेसर है, जिसमें 4 core 8 thread दिए गए हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी। आप लोग इसमें मल्टीटास्किंग गेमिंग वगैरह एडिटिंग भी कर सकते हो। एंड इसके हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं GigaByte H410M मदरबोर्ड, जो कि S2 सीरीज का मदरबोर्ड रहने वाला है। इसमें एक ही इशू है मदरबोर्ड में कि मदरबोर्ड बहुत परफेक्ट है, सारी चीज़ें मतलब फिक्स होती है अपने लिए, ठीक है, बट उसमें आप लोग M2 SSD यूज़ नहीं कर पाओगे, उसमें स्लॉट नहीं दिया गया है। तो अगर आप लोग इंटेल बिल्ड कर रहे हो उसमें ये वाला मदरबोर्ड ना लो, या फिर अगर ये वाला ले रहे हो तो जो SSD लेने वाले हो उसमें M2 मत लो, नॉर्मल वाली जो SSD आती है जो SATA केबल से चलती है आप लोग को वो लगानी पड़ेगी इसमें। बाकी सारी चीज़ें सेम है, 64GB तक आप लोग मेमोरी वगैरह लगा सकते हो, इंटेल की सारी टेक्नोलॉजी इसमें सपोर्ट करती है, जो हमारा प्रोसेसर उसके साथ में स्मार्ट टेक्नोलॉजी OG सिक्योरिटी सब चीज़ें इसमें सपोर्ट करती है। तो इंटेल AMD मैंने दोनों बता दिया। अभी जो आगे के जो पार्ट्स है, जैसे रैम हो गया एंड ग्राफिक कार्ड हो गया एंड हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, वो तो आप लोग मतलब लगा सकते हो ना, सेम इंटेल और AMD में डिफरेंस मैंने बता दिया, आप दो अलग अलग है, आपको जो पसंद आए, Ryzen 3200G पसंद आया तो आप लोग उस पर जा सकते हो, इंटेल 10100F पसंद आया तो आप लोग उस पर जा सकते हो, बाकी की जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो सेम रहेंगे, आप लोग दोनों बिल्ड में कोई सा भी पार्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे रैम। रैम हम यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं टीम ग्रुप की T4 Vulkan Z सीरीज की रैम, जो कि 3000 MHz पे चलेगी, 8GB DDR4 मेमोरी है, मेरे हिसाब से 8GB काफ़ी ठीक रहेगा, मतलब आप लोग 16GB भी जा सकते हो, अगर आप लोग एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हो तो आप लोग जा सकते हो, नहीं तो अपना बजट जैसा कि बहुत टाइट है, मैंने बोला 30K के अंदर आपको PC बिल्ड करके देना है भाई लोग, तो यार मुझे 8GB रैम ठीक लगी, तो यहाँ पे मैं 8GB की रैम DDR4 यूज़ करने वाला हूँ T4s की। सो बेस्ट है
कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले SSD। यस गाइस SSD यूज करने वाले, जो कि M2 SSD रहेगी। एक SSD आप लोगों ने देखा होगा जो इतनी बड़ी सी आती है, मतलब इतनी सी रहती है, ये जो है RAM की तरह रहती है M2 SSD। सो यहाँ पे हम लोग ये A400M SSD यूज करने वाले हैं, जो कि किंगस्टन की तरफ से रहने वाली है, जो कि M2 SSD है, जो कि मैं बोलूंगा नॉर्मल SSD से भी फास्ट होती है काफी। तो आप लोग इस पे जाएं, एंड जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप लोग इंटेल बिल्ड कर रहे हो तो ये M2 SSD मत लो, आप लोग जाओ किंगस्टन की दूसरी जो 2800 या 3000 के आसपास आती है, 240 GB की SSD, आप लोग नॉर्मल वाली SSD जा सकते हो, लेकिन M2 उसमें फिट नहीं होगा। या तो आप लोग मदरबोर्ड चेंज करो M2 अगर आपको यूज़ करना है तो, नहीं तो आप लोग SSD ही दूसरी ले लो। ओके, सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ पे कूलर मास्टर का PSU, जो कि MWE 480+ ब्रॉन्ज यहाँ पे सर्टिफिकेशन इसको मिला, जो कि वर्जन 2 का PSU है कूलर मास्टर की तरफ से, आप लोग के लिए बेस्ट है। मतलब देखो यार, काफ़ी सारे लोग ना क्या करते हैं, जो PSU रहता है ना, या तो बहुत महंगा ले लेते हैं या तो एकदम चीपर ले लेते हैं। बहुत महंगा ले लेते हैं तो उसमें इशू क्या रहता है ना, वो फालतू में आपकी जो ईयरली जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना वो बढ़ाता है। तो यार एकदम ज़्यादा भी मत लो, और एकदम कम भी लोगे तो आपके लिए जो CPU के लिए जो यूसेज रहेगी उसको मिल नहीं पाएगा, तो आपके मदरबोर्ड और प्रोसेसर को हार्म कर सकता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लिमिटेड लो, 450 मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। आगे जो मैं आपको ग्राफिक कार्ड भी सजेस्ट करने वाला हूं, वो आपके PC में और PSU में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, आप लोग बराबर वो सारी चीज़ें कंपेटेबल रहेगी आपके सेटअप के लिए। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे चिपट्रॉनिक्स का MX4 RGB कैबिनेट। यस गाइस कैबिनेट यहाँ पे हम लोग इन्हें ये सिलेक्ट करा है। इसमें गाइस वन साइडेड ग्लास पैनल है, जो ग्लास पैनल रहता है, और इसमें आपको 120mm का फैन भी फ्री में मिलता है, जो कि एक RGB फैन रहने वाला है 120mm का एग्जॉस्ट करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट कैबिनेट है बजट में, आप लोग इसके आंख बंद करके जा सकते हो। एंड अगर आप लोग कैबिनेट तो कुछ भी ले सकते हो, आपको जो पसंद आए, मैं एक्स्ट्रा कैबिनेट्स की लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को चेक करना है चेक कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे जो बेसिकली देखा जाए, हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है। ओके, मतलब रेडी हो चुका है, सिर्फ तो सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के बारे में भी आपको बताता हूँ, जो हमारा सेटअप है वो रेडी हो चुका है, एंड टोटल कॉस्ट हो गया है 24,000 रुपये। देखो अभी यहाँ पे मैंने गेम क्या खेला है, मैंने राइजन लिया, AMD लिया, एंड इंटेल बोथ दोनों लिया, दोनों की प्राइस सेम है भाई। आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, आप लोग मदरबोर्ड प्रोसेसर ऐड करो, मदरबोर्ड प्रोसेसर दोनों के प्राइस इंटेल के ऐड करो, मदरबोर्ड प्रोसेसर के प्राइस दोनों AMD के ऐड करो, दोनों की उतनी ही आएगी, मुश्किल से 50 या 100 रुपये का डिफरेंस आएगा, आया भी तो। ओके, क्योंकि अभी प्राइस जो बहुत है फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन मार्केट दोनों हिला हुआ है, क्योंकि कॉपर का रेट बढ़ चुका है। PC में सारे, मतलब सब पार्ट्स में कॉपर आता ही आता है, तो कॉपर के रेट बढ़ गए हैं, तो सारे पार्ट्स के रेट भी बढ़ गए हैं। एंड इवन हम लोग का जो बजट है वो भी अभी फेब में आ गया है, तो इसके वजह से जो रेट है वो PC पेरिपेलस पे रेट बढ़ चुके हैं। सो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब ये टोटल 24,000 का ये सारे पार्ट्स हैं। एंड जज मत करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग लिंक पर जाके क्लिक करोगे, शायद बड़ा हो शायद कम हो, आप लोग आके बोलेगा भाई ये रेट तो ज़्यादा हो रहा है, तो वो रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसका टेंशन मत लेना। एंड आप लोग जस्ट चेक करना डिस्क्रिप्शन में, मैं जो बेस्ट रहेगा वो लिंक आप लोगों को दे दूंगा। ओके, सो यहाँ पे जो 24,000 में हमारे सारे पार्ट्स रेडी हो गए हैं, बचा है ग्राफिक कार्ड। अभी गाइस यहाँ पे मैं ग्राफिक कार्ड आप लोगों को मैं सजेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे यूज्ड। ओके, यूज्ड ग्राफिक कार्ड मैं लेने बोलने वाला हूँ आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए दो ऑप्शन भी लाया हूँ ग्राफिक कार्ड्स का, बिकॉज अपना बजट टाइट है, 30K के अंदर आप लोगों एक हमारा CPU पूरा रेडी करना है, तो यार भाई ऑब्वियस सी बात है नया ग्राफिक कार्ड लेने जाओगे तो महंगा हो जाएगा। बट अभी मैं आपको नया ग्राफिक कार्ड भी सजेस्ट कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, आप लोग नया ग्राफिक कार्ड भी ट्राई करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आपको आपको नया चाहिए तो कौन सा लेना है। फिलहाल यूज में आपको यहाँ पे दो सजेस्ट कर रहा हूँ, एक 1050 Ti है 4GB का, OLX पे जाओ सर्च मारो, बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने भी ऑल इंडिया OLX पे सर्च किया, मुझे भी बहुत सारे मिले। देखो जो एड रेट रहते हैं ना वो तकरीबन 6,000 के आसपास रहेंगे, तो आप लोग बात करोगे ऑब्वियसली कम करेगा, 4,500 कर देगा, 5,000 में आप लोगों को करके अराउंड, मैं 5,000 का फिगर लेके चल रहा हूँ, कर देगा, मतलब जो भी सेलर रहेगा वो आपको तकरीबन 5,000 में दे ही देगा। ओके, वो भी मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, 4,500 में भी मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा रहा तो वो 4 में भी दे सकता है। सो गाइस जो नेक्स्ट हमारा GPU जो मैंने आपको दूसरा सजेस्ट करने बोला था वो है 1060 या 1060 Ti बोल लो, तो ये हम लोग गाइस तकरीबन देखो OLX पे ऐड देखोगे तकरीबन 7,000 या 7,500 8,000 के अंदर ही है सारे एड्स मैंने जितने भी देखे। तो आप लोग वो लेने जाओगे तो वो आपको यूज में तकरीबन 6,000 या 6,500 पकड़ के चलो 6,000 तक का मिल जाएगा। तो आप लोग ये दोनों में से कोई सा भी ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हो, 1050 Ti 4GB वाला मिलेगा, 1060 Ti जो रहेगा वो 3GB वाला मिलेगा, लेकिन 1060 Ti बेटर होता है ऑब्वियसली बात है। आप लोग अपने हिसाब से देख लो, जो मैंने आपको कैबिनेट कॉस्ट बताया वो 24,000 का था, एंड अगर आप लोग सपोज करो 1060 Ti लेते हो जो महंगा वाला है वो 6,000 का लेते हो,
तो 30,000 टोटल हो गया, मतलब 30,000 में आपका कैबिनेट रेडी हो गया। इंटेल लो AMD लो दोनों का प्राइस सेम है जैसे कि मैंने बताया, तो दोनों बिल्ड मैंने बता दिया। एंड आप लोगों को मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ AMD का, जो आप लोग सपोज करो लेते हो यहाँ पे अपना बिल्ड लेते हो AMD का, तो AMD के साथ में गाइस AMD Ryzen 3 वर्सेस i3 10100F में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर का डिफरेंस आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बेटर है दिख रहा है आप लोग को इंटेल है, नीचे आप लोग देख सकते हो बेंचमार्क CPU मार्क लिखा हुआ है 8893 इंटेल का एंड 7238 Ryzen का है, तो यहाँ पे इंटेल ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे कंपेयर टू Ryzen। सो अभी बात करी जाए भाई रुको बात करी जाए अमीर भाइयों की। हम लोगों ने यार यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया नया ग्राफिक कार्ड चाहिए तो कौन सा लिया जाए, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करने वाला Zotac का 650 AMP एडिशन का 4GB GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड। ये तकरीबन 16,500 या 17,000 के अंदर है, मैंने अभी जस्ट चेक किया 17,000 के अंदर ही है, प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। मैंने प्राइस की बात करी नहीं है देख लो, मतलब जो एक एक पार्ट की प्राइस की बात करी नहीं मैंने वीडियो में, बिकॉज मुझे पता है वो प्राइस जो फ्लक्चुएट होते रहती है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो आप लोगों को 16,500-17,000 के आसपास Zotac का एम्प एडिशन मिल जाएगा, अगर आप लोग अमीर हो तो जा सकते हो उसके लिए, नहीं तो यूज 1060 Ti बेस्ट रहेगा। ओके सो गाइस यहाँ पे बात करी जाए मॉनिटर के बारे में, मैं आपको यहाँ पे पूरा बिल्ड करके दूंगा भाई, मतलब पूरा आए हो तो भाई पूरा देख के जाओ, पूरा बिल्ड करके जाओ। तो यहाँ पे गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है यहाँ पे दो मॉनिटर लाया हूँ मैं आपके लिए। देखो भाई अगर आप लोग एकदम हार्ड कोर गेमर हो तो आप लोग दूसरे वाले पे जाना, नॉर्मल हो मतलब ठीक ठाक काम चलाना है, मतलब काम चलाओ भी नहीं मैं बोलूँगा वो भी अच्छा है, तो आप लोग पहले वाले पे जाना। तो जो पहला वाला है वो है यहाँ पे Acer का Nitro QG सीरीज का हमारा मॉनिटर है, 75Hz का मॉनिटर है, 21.5 इंच का इसका डिस्प्ले है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ये तकरीबन आप लोगों को 7,700 रुपये का Amazon पे देखने को मिल जाएगा, आप लोग Amazon पे जा सकते हो इसके लिए। एंड जो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाला उसकी बात करी जाए तो वो है यहाँ पे LG का अल्ट्रा गेट 24 इंच का 144Hz का मॉनिटर है। जब मैंने ये मॉनिटर देखा था ना भाई अंदर से ऐसा गुस्सा आ गया था, क्यों क्योंकि जस्ट मैंने दो या तीन महीना पहले मैंने ये लिया है Acer का ए ओपन का मॉनिटर जो कि 144Hz का ये भी है। ए ओपन एक्चुअली चाइनीज़ या कोरियन कंपनी, आई डोंट नो कौन सी है, बट यार ये इंडियन कंपनी नहीं है, एंड जो इसका वारंटी है वो भी Acer देता है। तो यार मुझे गुस्सा आया क्योंकि यार जो LG कंपनी है यार LG पे ज़्यादा भरोसा है, वो भी अच्छी है ये भी अच्छा है, बट यार LG अल्ट्रा गेयर ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। बट उसमें सीन ये था कि जो LG अल्ट्रा गेयर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो 1080p मॉनिटर है 144Hz पे, एंड ये मेरे पास है ये 2K मॉनिटर है। ओके तो ये एक डिफरेंस है, बाकी मैं तो यार LG अल्ट्रा गेयर पे जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ वो वाला मॉनिटर ही मैं लेता, जो कि आप लोगों को तकरीबन 13,500 का अमेज़ॉन से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चेक कर लो। चलो भाई अभी आए हो तो एक और चीज़ बता दूँ, Zebronics का कीबोर्ड माउस कॉम्बो जो कि ट्रांसफार्मर Zebronics ट्रांसफार्मर तकरीबन 1300 रुपये का आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। देखो भाई सब बता दिया मैंने, मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम कैबिनेट रेडी करके दिया, मॉनिटर रेडी करके दिया, अभी मैं आपको कीबोर्ड माउस ही बता दिया, बचा है हमारा यहाँ पे हेडफोन। मैं हेडफोन यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग 1000 के अंदर कोई सा भी ले सकते हो, एंड अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैंने ESKA ये कंपनी का नाम है ESKA, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोग सर्च कर लेना, वो तकरीबन 2000 या उससे 2000 के आसपास आता है, वो और बेटर हेडफोन्स है 7.1 सराउंड सिस्टम के साथ में भी आता है, बट कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1000 के अंदर आप लोग ले लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 1000 के अंदर अगर आप लोग लगाते हो तो आप लोग को अच्छा खासा गेमिंग का सर्कल वगैरह का मिल जाएगा, नहीं तो एनटेक का आते हैं काफ़ी सारे, क्वेश्चन इज G2000 है 3000 भी अभी आ गया है नया, तो आप लोगों को 1000 के अंदर एक अच्छा सा गेमिंग हेडफोन मिल जाएगा। सो यहाँ पे गाइस जो हमारा सेटअप है वो कंप्लीट रेडी हो गया है, 40,000 के अंदर मैंने सेटअप कर दिया। अभी कैसे 40,000 के अंदर किया मैं आपको वो बताता हूँ, कैबिनेट हमारा रेडी हुआ 1060 Ti के साथ में, जो इंटेल बोल दो AMD बोल दो 30,000 का कैबिनेट रेडी हो गया। एंड जो मैंने आपको पहला मॉनिटर सजेस्ट करा था वो वाला अगर आप लोग लेते हो तो वो 7,000 के आसपास है कुछ, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके फिर इसके बाद अपन ने गेमिंग कैबिनेट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस Zebronics ट्रांसफॉर्मर ऐड करा 1300 रुपये का, ये ऐड कर लिया। इसके बाद एक हम लोगों ने गेमिंग हेडफोन ऐड करा, तो ये तकरीबन आप लोगों का हो गया बोल सकते हो 3.39,000 के आसपास में आपका पूरा कंप्लीट काम हो गया है। ओके मतलब पूरा सेटअप कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड कैबिनेट वगैरह सब कुछ पूरा कंप्लीट सेटअप हेडफोन तक के आप लोगों का 40,000 के अंदर आ जाएगा। बस ये है कि आपको एक यूज्ड ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, नथिंग एल्स। और आप लोग जैसे कि मैंने बताया अमीर लोगों जाओ ग्राफिक कार्ड 1650 एडिशन के साथ में मॉडल ले लो 144Hz का 13,500 का, पैसे बहाओ भाई, है तो बहाओ। हाँ ओके
तो ये था कंप्लीट वीडियो, यहाँ पे मैंने ए टू जेड सारी चीजें आप लोगों को बता दी। कुछ भी डाउट है बिंदास नीचे कमेंट करो, नहीं तो यार इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, बिंदास डीएम करो, मैं हेल्प कर दूंगा। रात में 9 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम पे अभी आके पूछ सकते हो, रात में 9 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम होती है। ये था कंप्लीट वीडियो, जो भी सारी चीज़ें मैंने आप बताई एक एक पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रहेंगे जैसे कुछ और मुझे दिमाग में आया सजेस्ट कर दूं तो सजेशन वाले पार्ट्स भी डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से खोल के चेक कर लेना। ओके, सो इट्स अ कंप्लीट वीडियो, थैंक्स वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। और लाइक करो डिसलाइक करो तुम्हारी मर्जी है भाई, क्योंकि दोनों से उतना ही इंटरेक्शन मिलता है। एंड कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और डिसलाइक की तुम्हारी मर्जी, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा ये वाला वीडियो।